तो देव दीपावली के दिन वाराणसी यानी काशी की सुबह कैसी है, घाटों का नजारा क्या है और शाम की तैयारी क्या है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद पॉइंट। काशी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज देवताओं की दिवाली है और देव दीपावली के मौके पर काशी की शाम बेहद खास होगी। पूरी काशी बिजली की रंगीन रोशनियों और दीपों की रोशनी से जगमग होगी, लेकिन सुबह बनारस काशी मशहूर है और आज देव दीपावली के दिन बनारस की सुबह किस तरीके की है इसका नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। काशी के घाटों पर आज सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, सैलानियों की भीड़ उमड़ी हुई है। धर्म, आध्यात्म, कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, वो नावों पर सवार होकर, क्रूज पर सवार होकर के घाटों का नज़ारा ले रहे हैं, घाटों का दीदार कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ रखे हैं, कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई ग्रुप फोटोग्राफ्स करा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। और दूसरी तरफ देखिए हरिश्चंद घाट है, यहाँ भी श्रद्धालुओं की आपको भारी भीड़ नज़र आ रही होगी। तो हर कोई जो है आज के इस दिन का साक्षी बनना चाहता है और शाम के वक्त काशी की छटा देखते ही बनेगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब देव दीपावली के दिन काशी के घाटों पर सुबह इतनी भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, तो शाम को किस तरीके से भीड़ होगी, किस तरीके से तिल रखने की जगह नहीं होगी और किस तरीके का अद्भुत व अलौकिक नज़ारा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काशी का दिन आज का दिन काशी के लिए बेहद खास है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो भोले की नगरी देव दीपावली का अपना महत्व रखती है और इस बार परंपरा से हटकर एक दिन पहले ही देव दीपावली मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है एक दिन पहले दीपावली, वाराणसी से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देव दीपावली का पर्व भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वैसे परंपरागत तौर पर देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा कल यानी 8 नवंबर को पड़ रही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, लिहाजा देव दीपावली एक दिन पहले ही मना ली जा रही है। और कल जिस वक्त देव दीपावली का समय था उसी वक्त चंद्र ग्रहण रहेगा, उससे पहले सुबह से ही सूतक लग जाएगा। सूतक काल में और ग्रहण के दौरान जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ जो है वो निषिद्ध होती है। हालांकि गंगा के जल में खड़े होकर के मंत्रों का जाप जरूर किया जा सकता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली इस बार एक दिन पहले ज़रूर मनाई जा रही है, लेकिन काशी के लोगों पर, पूरे देश के लोगों पर इसे लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों में ज़बरदस्त उल्लास है और आप देख सकते हैं कि काशी के घाटों पर आज सुबह से ही ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। कई जगहों पर तो इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली को लेकर काशी में आज धर्म, कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। काशी के लोगों में तो ज़बरदस्त उत्साह है ही है, लेकिन साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, तो बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी इस खास मौके के साक्षी बनने के लिए काशी में डेरा जमाए हुए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो आपने काशी की सुबह देखी, तैयारियां देखी, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही सूर्य ढलना शुरू होगा और जब ये 84 घाट अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं वो जगमग होने शुरू हो जाएंगे, तो वो नजारा, वो भव्य छटा जरूर देखिएगा। एबीपी गंगा लगातार आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।